मीटिंग होगी वाराणसी में, कैबिनेट की मीटिंग होगी, कैबिनेट की बैठक 13 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के वक्त होगी। उद्घाटन के बाद वाराणसी में कैबिनेट की बैठक होगी। यह दूसरी मर्तबा है जब लखनऊ के अतिरिक्त कहीं कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। इसके पहले आपको ध्यान होगा प्रयागराज में जब कुंभ हो रहा था, कुंभ का आयोजन हो रहा था, भव्य और दिव्य कुंभ, उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में संगम किनारे कैबिनेट की बैठक ली थी। और अब यह दूसरी बैठक कहां होने जा रही है? वाराणसी में होने जा रही है। पहले प्रयागराज में हो चुकी है कैबिनेट की मीटिंग और अब वाराणसी में होगी। 16 दिसंबर को कैबिनेट की जो बैठक होने जा रही है वो वाराणसी में होने जा रही है, जिसे हम उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी के रूप में भी जानते हैं। अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, परंपरा से हटकर यानी लखनऊ में कैबिनेट की बैठक हुआ करती थी, जैसे प्रयागराज में हुआ, इस बार 16 दिसंबर को आयोजन किया गया है वाराणसी में। जी हाँ, बिल्कुल, ये दूसरा ऐसा मौका होगा जब राजधानी लखनऊ की बजाय, मुख्यमंत्री सचिवालय की बजाय, किसी दूसरे शहर में कैबिनेट की बैठक होगी। इससे पहले कुंभ में, जैसा हम सब जानते हैं कि कुंभ के आयोजन के समय प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक हुई थी, और अब वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 अगस्त को, और उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 16 अगस्त को यूपी कैबिनेट की बैठक वाराणसी में प्रपोज है। वाराणसी में उत्तर प्रदेश सरकार के सारे मंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, और एक तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को एक ट्रिब्यूट के तौर पर वहां पर कैबिनेट की बैठक करके वाराणसी के लिए कुछ घोषणाएं की जाएंगी। तो एक नई परंपरा को एक कदम आगे ले जाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया था कि 1 महीने तक वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद तमाम तरीके के आयोजन होंगे, कार्यक्रम चलेंगे, उसी कड़ी में कैबिनेट की बैठक भी 16 दिसंबर को वाराणसी में की जाएगी। शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे खबरों में। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के